मूवी के फैक्टू रिव्यूज बेबेल दो हजार की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो गोजालेल एलिजरोल मिल है यह मोरस्को जापान और मोक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोस पेरोस हजार और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरियातु की, की एक डेथ पर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो गोजालेस इनार्वी है लेखक है गुई अरिया आधारित है द्वारा एविच विचार गुई लिर्मो अरियाग पर उत्पादित किया एलेंजरो इतने और अभिनीती है ब्रेड पिट और कैट ब्लेचेंट्स गैल गार्सिया बर्नाल्स कोजी याकुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुची छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रितो संपादित किया स्टीफन मेरियोन ने और संकट ने उत्पादित कंपनी हैं अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटल्स वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंट सूत्री और लैटिन अमेरिका में और किंगडम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में और सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को छः में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ तिरतालीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बड़बड़ भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बे, को 2006 के फिल्म फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म में के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबसे निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें 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 फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसे किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहु उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सीआरओं को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ़ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कथिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जो गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा कर घटनास्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार गोल... गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई बुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के, के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान एक अमेरिकी जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टूर बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दूर टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्लिको मैक्को में रिचर्ड और सुजैन डेबी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने में असमर्थ है, है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास से ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मौसकी को बच्चों के साथ मौसकीों में रात रोकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियागो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी पी था। और सीमा रक्षक पर पर बैठकों अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दबाव के सेट्यांगो नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते हैं और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गस्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता गया और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे सही अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूबने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जांच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने कूद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु जीरो को द्वारा मॉस्को को में की गई शिक्षार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिको नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासू जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताती है कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना को व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो गई अपनी बेटी से गले लगाकर संंत्वना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो रही हुई बेबेल मूवी के फैक्टो रिव्यूज बेबेल एक 2006 तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलेनजरो गोजालेल इनानुरी मिल है यह मोरस्को जापान और मोक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोर्स पैरोस पेरोस 2000 और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरिया की इन की एक डेथ इंटरवेपर को पूरा करती है इसका निर्देशक द्रो गोज़ालेज इन इनारूदी है लेखक है गुई अरियाग आधारित है द्वारा विचार गुई अरियाग गुलेमोरिया और अभिनीति है ब्रेड पिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलग गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुची छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रितो संपादकीय स्टीफन मेरियोन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटी शल्स वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक किंगडम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बड़बड़ भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बेबेल्स को 2006 के फिल्म फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म में के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबश्रेष्ठ निदेशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर्स की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात आदमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पे एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सीआरओ को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जोन्स गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को

ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान जो के जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां गए थे जो सुजेन और बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दूर टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता और है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसलम के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्लिको मैस्किको में रिचर्ड और सुजैन की मैस्किको नानिया में अमेलिया उनके सैन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है वह सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी शराब पी रखा था और सीमा रक्षक पर कार पर बैठकों अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के और नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको वापत बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो बह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चुनने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूस उसे होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूस में से एक ही केंजी माफिया वापस ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की सलम पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिक्षा यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिक्न चीकु नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह साउना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मास्कियो की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और ने चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो या जो भी अपनी बेटी से गले लगाकर संतावना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो रही बेबेल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज बेबेल एक 2006 तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनानुरी मिल है यह मोरस्को जापान और और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमो पैरोस पेरोस 2021 और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरवर को पूरा करती है इसका निर्देशक द्रो इन इनारूत है लेखक है गुइलेर्मो अरियाग आधारित है द्वारा ए विचार अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलग गार्सिया बर्नाल्स कोजी याकुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुची छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रया स्टीफन ने ने और डगलस संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटी वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंट सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सैमिट सेमिट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज़ किया गया बे बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पालमेडी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुति ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह 27 अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और वेबेल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहुस की बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है और राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशान सोनो गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपाकर स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार गोलीबारी की आतंकवादी कृत्या मानती और अपराधियों को पकड़ने के लिए मोरस्को सरकार पर दबाव डालती है और अब्दुल गोल, गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई उगुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के 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 पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान एक अमेरिकी जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टूर बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जो है तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहता है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता और है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है और संयुक्त तो राज्य में रिकब्लिको मैस्को में रिचर्ड और सुजैन की मैक्को नानिया में मेनिया, अमेलिया उनके सेन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है बस के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मॉस्कीगॉस में दे रात रुकने की बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह बाहरी रक्षक कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेटैंग और नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते हैं और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता रहा और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे उसे बताया गया गया कि उसे अमेरिका से से कर दिया गया था और रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चुनने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जे चीकों का सामना दो पुलिस जासूस से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूस में से एक, एक ही केंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने कूद यह देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिक्खार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिकुन नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और भहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मा मामिया यासू जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मास्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी ए, मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीकू उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजैन के ठीक होने के ब... खबर देती है तो यासी जो कोई अपनी बेटी से गले लगाकर संतान दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो रही बेबल मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज बेबल एक 2006 तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलेंजो गोजालेल इनानुरिट मिल है यह मोरस्को जापान और और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोपेरोस दो हजार और इक्कीस ग्राम्स दो के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ पर को पूरा करती है इसका निर्देशक द्रो गोज़ालेज इन आरुति है लेखक है गुई अरियाग आधारित है द्वारा एविच विचार गुई लेरमो अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलगा गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रया स्टीफन मेरी गुस्तावस ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटिशल्स वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में रोड्रिक्डम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को छः में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म में डी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबसे निदेशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीस शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सबसे मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात आदमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहूस बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कथिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशान जोन्स गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा घटना स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार गोलीबारी दबाव डालती है गोल... गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई बुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का मेरे अमेरिकी जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां गए थे।, के के थे जो सुजेन टू बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती आतंत, आतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहां उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है और संयुक्त तो राज्य में रिकब्लिको मैस्को में रिचर्ड और सुजैन की मैक्को नानिया में अमेलिया उनके सैन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद काने के में असमर्थ है के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास से ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और को बच्चों के साथ मॉस्को को उसमें देर रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी साफ पी रखा था और सीमा रक्षक उस पर कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट है लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेट्यांगो नशे में घबराए कर तेज़ी से भाग जाते हैं और अमेलिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती है और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के के वापस ले जाया जाता है जहां अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो है बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूबने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहते थे गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जांच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे उसने कूद यह देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चीकन चिकुन नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मा मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मास्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी होते समय माफी अपनी ए, मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के ब... खबर देती है तो यासी जो कोई अपनी बेटी से गले लगाकर संतान दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो शुरू हुई बेबल मूवी के फैक्टर रिव्यूज़ बेबल एक 2006 की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलेंजरो गोजालेल इनानुरिट मिल है यह है। मोरस्को जापान और मॉक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोर्स पेरोस 2000 और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरवर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो गोजा इन इनारूत है लेखक है गुइलेर्मो अरियाग आधारित है द्वारा एविच विचार गुइलेर्मो अरियाग पर उत्पादित किया एलिजोल और अभिनती है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलगा गार्सिया बर्नाल्स कोजियाकुसो कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रितो किया स्टीफन मेरीओन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटल्स वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिक। अमेरिका और लैटिन अमेरिका में रोड्रिक और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ तिरतालीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बेबेल्स को 2006 के अकांश फिल्म फेस्टिवल में फिल्म और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबसे निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर्स की कमाई की और इसने सबसे मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक सहित सात सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहुस उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कथिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुसान जॉन्स गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा घटना स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार गोल, गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई बुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के, के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का अमेरिकी जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो जो सुजेन और और बस में गोली मार दी जाती है जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दूर टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहां उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है और संयुक्त तो राज्य में रिकब्लिको मैस्को में रिचर्ड और सुजैन की मेस्किको नानिया में, अमेलिया उनके सेन एडी गेगो कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेबी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है वैसा सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास से ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मौसकी को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी साफ रखा था और सीमा रक्षक उस पर कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमिलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज अमेरिया से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेट्यांगो नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते हैं और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे सही अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के या सफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चुनने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूस उसे होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूस में से एक, एक ही केंजी माफिया वापस ऊंचे ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की संपिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने कूद यह देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु जीरो को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिको नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासू जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताती है कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी ए, मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो कोई अपनी बेटी से गले लगाकर संतावना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो हुई बेबेल मूवी के फैक्ट रिव्यूज बेबेल एक दो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनानुरी मिल है यह मोरस्को जापान और मोक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोपेरोस पेरोस 2000 और 21 ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरपर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो रुती है लेखक है गुई लेरमो आधारित है द्वारा विचार गुलेमो अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलग गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रितो संपादकीय स्टीफन मेरियोन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटल वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंट सूत्री अमेरिक। अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक्डम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म में काफी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ बर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बे, को 2006 के फिल्म फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म में के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबसे निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर्स की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चराने वाला अब्दुल्ला बहु उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सीआरओ को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जो गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा कर घटनास्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार गोल... गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई उगुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान मेरे अमेरिकी जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टूर बस में गोली मार दी गई जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जह तजरीन में जाने का आदेश देता और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दूर टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है और संयुक्त तो राज्य अमेरिका में रिपब्लिको में रिचर्ड और सुजेन की, में, अमेलिया, उनके घर की उनके बच्चों, डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है बस के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मॉस्कीगॉस में दे रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी पी था। और उस पर कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमिलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट है लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेटैंग और नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते हैं और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे उसे बताया गया गया कि उसे अमेरिका से से कर दिया गया था और वह रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूबने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूस से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूस में से एक, एक ही केंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद की देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चीख चीखो नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताती है कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और ने चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के बाद खबर देती है तो यासी जो कोई अपनी बेटी से गले लगाकर संतान अदीत ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो शुरू बेबल मूवी के फैक्ट्री रिव्यूज बेबल एक 2006 तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलेंजो गोजालेल इनानुरिट मिल है यह है। मोरस्को जापान और मोक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोर्स पैरोस दो हजार और इक्कीस ग्राम्स 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ पर को पूरा करती है इसका निर्देशक द्रो गोज़ालेज इन है लेखक है गुई अरियाग आधारित है द्वारा विचार अरियाग पर उत्पादित किया गुई लेरिया और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलग गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुची छायाकन है रोडी रोड्रिगो प्रया स्टीफन मेरियोन नेगल ने, ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटी वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक किंगडम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में और सेमिट इंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज़ की तारीख तेईस मई 2006 को छः में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ बर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज़ किया गया बे, बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पालमेडी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुति ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह 27 अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चैनी शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात आदमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहुस उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है और राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशान जो गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को में छपाकर स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार गोलीबारी कृत्या मानती और अपराधियों को पकड़ने के लिए मोरस्को सरकार पर दबाव डालती है और अब्दुल गोल... गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई बुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का मेरे की जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और और बस में गोली मार दी जाती है जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है और संयुक्त तो राज्य में रिपब्लिको मैक्को में रिचर्ड और सुजैन की मेस्किको नानिया में अमेलिया उनके सेन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है वैसा सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजवाना के पास से ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें देख रात रोकने की बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी पी रखा था और बाहरी रक्षक पर कार पर बैठकों अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट है लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेटैंग और नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता है और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो बह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चुनने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जे चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद यह देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चीकु नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और भहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मास्कियो की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती है और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे उसे सिर्फ जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीकू उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो भी अपनी बेटी से गले लगाकर संतावना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो हुई बेबेल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज बेबेल एक दो तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनानुरी मिल है यह है। मोरस्को जापान और और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्किको और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोर्स पेरोस हजार और इक्कीस ग्राम्स 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरवेपर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो लेखक है, है गुई अरियाग आधारित है द्वारा एचार अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलगा गार्सिया बर्नाल्स कोजी याकुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायाकन है रोडी रोड्रिगो प्रया स्टीफन ने ने और डगलस संकट संगीत मेरी गुस्तावस ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और तो मीडिया राइट्स कैपिटी वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक किंगडम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में और सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्किको मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबर बर भाषाएं में इसको इसको रिलीज किया गया बेबेल्स को 2006 के फिल्म फिल्म फेस्टिवल में, फिल्म में के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस लेस इनारुती ने सबसे निदेशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबेल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में 135 मिलियन डॉलर्स की कमाई की और इसने सबसे मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहूस की बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशान सोन गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा घटना स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार गोलीबारी कृत्या मानती और अपराधियों को पकड़ने के लिए मोरस्को सरकार पर दबाव डालती है और जितने गोल, गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई गुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह है जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान एक की जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टू बस में गोली मार दी की जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जो तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहां उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्लिको मैस्को में रिचर्ड और सुजैन की मैस्को नानिया में मेनिया अमेलिया उनके सेन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास से ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें देर रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी साफ पी रखा था और सीमा रक्षक उस पर कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट है लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेट्यांग नशे में घबराए कर तेज़ी से भाग जाते हैं और अमेलिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के वापस ले जाया जाता है जहां अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको एक विद्रोही किशोर लड़की है जो है बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूबने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है चीकों का सामना दो पुलिस जासूस से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूस में से एक, एक ही केंदी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहते थे गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिकुन नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और भहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मा मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो या अपनी बेटी से गले लगाकर संत्वना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो हुई बेबेल मूवी के फैक्टू रिव्यूज बेबेल एक दो तो हजार की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो गोजालेल एलिजरोल मिल है यह है मोरस्को जापान और मोक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्किको और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोपेरोस पेरोस हजार और इक्कीस 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरव्यूपर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो गोजालेस इन आरुति है लेखक है गुइलेर्मो अरियाग आधारित है द्वारा ए विच विचार गुइलेर्मो अरियाग पर उत्पादित किया एलेंजरो गोलेरिज इतने और अभिनीति है ब्रेड और कैट ब्लेचेंट्स गैल गा, गार्सिया बर्नाल्स कोजी याकुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्र्पादकीय स्टीफन मेरीओन ने और डगलस डगल ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटी वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाउंट सूत्री अमेरिक और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक्रम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को छः में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ तैंतालीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ बर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बे, को 2006 की कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म में के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सबसे निदेशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह सत्ताईस अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ़ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कथिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जोंस गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छुपा घटना स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार पर दबाव डालती है गोल, गोलीबारी के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई गुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का अमेरिकी जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन टूर बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहता है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहां उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है ही तो अमेरिका मैस्कीको, मैस्कीको और संयुक्त राज्य में रिकब्लिक मैस्को मेस्किको में रिचर्ड और सुजैन की मेस्किको नानिया में अमेलिया उनके सैन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने की में असमर्थ है वह सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मौसकी को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें दे रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियागो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह से सीमा पी रखा था कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेट्यांग नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते हैं और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते हैं और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गस्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो जी, चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज़ के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चुनने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे उसने खुद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु जीरो को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिकुन नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासू जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी विदा होते समय माफी अपनी ए, मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजैन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो कोई अपनी बेटी से गले लगाकर कर दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो रही हुई बेबेल मूवी के फैक्ट रिव्यूज बेबेल एक दो तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनानुरित मिल है यह है मोरस्को जापान और मोक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमोर्स पेरोस 2000 और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरवेपर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो गोज़ालेज इन इनारुति है लेखक है गुई अरियाग आधारित है द्वारा ए विचार गुलेमो अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलगा गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्रितो किया स्टीफन मेरियोन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावो असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटिशल्स वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में और सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को छः में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ तैतालीस मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म में काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ भाषाएं में इसको को इसको रिलीज किया गया बे, बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पालमेडी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह 27 अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर्स की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के पाए एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बहुस उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर विंचेस्टा एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कथिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जोंस गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा कर घटनास्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार गोलीबारी की आतंकवादी कृत्या मानती और अपराधियों को पकड़ने के लिए मोरस्को सरकार पर दबाव डालती है और अब्दुल लाजित ने गोलीबारी गोली के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहाँ है उनसे सच्चाई गुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के, के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का अमेरिकी जोड़े हैं जो मॉस्को में छुट्टियां गए के के थे जो सुजेन और बस में गोली मार दी जाती है और रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहते हैं और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्लिको मैक्को में रिचर्ड और सुजैन की मेस्किको नानिया उनके सैन एडी कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेबी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने की में असमर्थ है वह सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें दे रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी पी था। और उस पर, कार पर बैठकों अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दबाव के सेट्यांगो नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गस्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे सही अमेलिया को बॉर्डर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको वापत बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो है बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूरने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जांच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिकार यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चिकन चिको नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह सांत्वना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मामिया यासू जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताते हैं कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना को व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और ने चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो गई अपनी बेटी से गले लगाकर संतावना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो हुई बेबेल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज बेबेल एक दो तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनान मिल है यह मोरस्को जापान और मोक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमो पैरोस पेरोस हजार और 21 ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरवेपर को पूरा करती है इसका निर्देशक एलेक्ज्रो रुति है लेखक है गुई अरियाग आधारित है द्वारा विचार उत्पादित किया गुलेमोरिया और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलग गार्सिया बर्नाल्स कोजिया कुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो प्र्पाद किया स्टीफन मेरियोन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलवासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटी वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंट सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में और रोड्रिक और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सेमिट एंटरटेनमेंट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक सौ मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ बर बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज़ किया गया बे, बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पालमेडी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुती ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह 27 अक्टूबर दो को सही राज्य अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात आदमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला उसकी बकरियों का शिकार करने वाले सियारो को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जो गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छुपाकर घटना घटनास्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक पर दबाव डालती है और जितने गोल, के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहा है उनसे सच्चाई गुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसाने का मेरे के जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टूर बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जहर तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दूर टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहता है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसलम के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्बलिको मैक्ड और सुजैन की माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वे अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है बस के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजुआना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मॉस्कीगॉस में दे रात रुकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी शराब रखा था और सीमा रक्षक पर कार पर बैठकों अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट और लेकिन बच्चों के माता पिता की ओर से उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति दी इसके बाद वह बताता है कि अमेरिका के पास सभी चार यात्रियों के पासपोर्ट हैं लेकिन बच्चों के माता पिता और यात्रियों उन्हें संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर ले जाने की अनुमति देने की कोई सहमति पत्र नहीं है अमेरिका सीमा गश्ती दल की दवाओं के सेट्यांगो नशे में घबराए कर तेजी से भाग जाते और अमेरिया के बच्चों को रेगिस्तान में छोड़ देते हैं जिसके बाद सुबह जागने से पानी बिना के जल्दी गर्मी की थकावट से पीड़ित हो जाते और अमेलिया मदद ढूंढने के लिए बच्चों को पीछे छोड़ देती और उन्हें हिलने ढुलने का आदेश नहीं देती अंत में उसे एक सीमा गश्ती अधिकारी मिल जाता है और उसे गिरफ्तार कर लेता वह और अधिकारी वापस कहाँ गए जहाँ उसने बच्चों को छोड़ दिया था लेकिन वहाँ नहीं थे अमेलिया को बॉर्डर पर पेट्रोलिंग स्टेशन के, वाप, के वापस ले जाया जाता है जहाँ अंत में उसे सूचित किया जाता है कि बच्चे मिल गए और रिचर्ड क्रोधित होकर आरोप नहीं लगाने के लिए सहमत हो गया था हालांकि उसे बताया गया कि उसे अमेरिका से निर्वस्त कर दिया गया था और वह अवैध रूप से काम पर रही सीमा पर रोते हुए अमेलिया को उसके नवविवाहित बेटे ने स्वागत किया जापान में जो चीको बताया एक विद्रोही किशोर लड़की है जो वह बहरी और बोल नहीं पाती और वह अपनी विकलांगता के कारण के कारण आत्म गलत गलनी से दुखी भी है और दोस्तों के साथ बाहर जाते जाते समय उसे एक किशोर लड़का आकर्षक लगता है और उसे मेलजोल बढ़ाने के असफल प्रयास के बाद वह खुद को एक मेज के नीचे उसके सामने उजागर कर देती है और दंत चिकित्सा अपॉइंटमेंट वह दंत चिकित्सा से चूबने की कोशिश करती है तो उसे दूर भेज देता है जी चीकों का सामना दो पुलिस जासूसों से होता है जो उसके अपने पिता के बारे में पूछताछ करते हैं और वह जासूसों में से एक, एक ही कैंजी माफिया वापस ऊंचे-ऊंचे अपार्टमेंट में जहां वह अपने पिता के साथ रहती थी गलत तरीके से यह मानते हुए कि जासूस उसकी मां की आत्महत्या में उसके पिता की पिता की जाँच कर रहे थे उसने मामले को समझाया कि जब उसकी माँ बालकनी में कूद गई थी तो उसके पिता सो रहे थे और उसने खुद किया देखा कि जासूस वास्तव में जाए यासु को द्वारा मॉस्को को में की गई शिक्षा यात्रा की जांच कर रहे थे और तुरंत इसके बाद चीन चीखो नग्न अवस्था में मामिया के पास आ जाता है और बहकाने का प्रयास करता है लेकिन उसे दृष्टिकोण का विरोध करता है लेकिन जब वह फूट फूट कर रोने लगती है तो वह साउना देता है और अपार्टमेंट में छोड़कर मा, मामिया यासु जीरो से मिलती है और उसे राइफल के बारे में सवाल करती है और यासु जीरो बताती है कि उस इसमें काले बाजार की कोई भागीदारी नहीं थी उन्होंने मॉस्को की यात्रा पर अपने शिकार गाइड हसन को उपहार के रूप में अपनी राइफल दी होते समय माफी अपनी मामिया पत्नी की आत्महत्या के लिए संवेदना को व्यक्त करती और हालांकि यासुजीरो बालकनी में उल्लेख में भ्रमित हो जाता है और उसे गुस्से से जवाब देता है कि उसकी पत्नी ने खुद को गोली मार दी और ने चीको उसे खोजने वाला पहला व्यक्ति था जो जैसे ही मामिया जैसे मामिया एक रेस्तरा में बैठकर सुजीन के ठीक होने के खबर देती है तो यासी जो भी अपनी बेटी से गले लगाकर संतावना दी ताकि वह शोक में उनकी बालकनी पर खड़ी हो हुई बेबेल मूवी के फैक्ट और रिव्यूज बेबेल एक 2006 तो की एक मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म है जो एलिजरो गोजालेल इनानुरी मिल है यह मोरस्को जापान और मोक्सिको संयुक्त राज्य अमेरिका में होने वाली परस्पर पर जुड़ी कहानियों को चरित्र करती है संयुक्त राज्य अमेरिका मॉस्को और फ्रांस में स्थित कंपनियों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सह उत्पादन यह फिल्म ओमो पैरोस पेरोस 2021 और इक्कीस ग्राम 2003 के बाद अरिया की इनारितु की एक डेथ इंटरव्यूपर को पूरा करती है इसका निर्देशक द्रो स इनारूत है लेखक है गुइलेर्मो अरियाग आधारित है द्वारा विचार गुइलेर्मो अरियाग पर उत्पादित किया इतने और अभिनीति है ब्रेडपिट और कैट ब्लेचेंट्स गैलगा गार्सिया बर्नाल्स कोजी याकुसो एड्रियान ब्राजा रिंको कचुजी छायांकन है रोडी रोड्रिगो किया स्टीफन मेरियोन ने और डगलस संकट ने संगीत दिए गुस्तावस असांतवा ओलासा ने उत्पादित कंपनी है अनाम सामग्री और जीटा फिल्म स्टैंडर्ड फिल्म और मीडिया राइट्स कैपिटल वितरित किया गया पैरामाउंट पिक्चर्स और पैरामाइंड सूत्री अमेरिका और लैटिन अमेरिका में रोड्रिक किंगडम में और मंगल वितरण द्वारा फ्रांस में सैमिट सेमिट द्वारा इंटरनेशनल में रिलीज की तारीख तेईस मई 2006 को कांस में 27 अक्टूबर 2006 को संयुक्त राज्य अमेरिका और मैस्को में कार्यक्रम एक मिनट देश संयुक्त राज्य अमेरिका मैस्को मोरस्को और फ्रांस इस फिल्म की काफ़ी भाषाओं को इसको रिलीज किया गया था अंग्रेजी स्पेनिश अरबी जापानी और जापानी संकेतिक भाषा और बरबड़ बर -बर भाषाएं में इसको को इसको रिलीज़ किया गया बे, बेबेल्स को 2006 के कांस फिल्म फेस्टिवल में फिल्म पालमेडी और के लिए प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था जहां गोजालेस इनारुति ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार भी जीता और बाद में फिल्म को टोरेंटो टोरें इंटरनेशनल टोरें फिल्म फेस्टिवल में प्रदर्शित किया गया यह 27 अक्टूबर दो को सही युक्तराज अमेरिका में चाइनीज शहरों में शुरू की गई और 10 नवंबर 2006 को व्यापक रूप से रिलीज की गई और बेबेल को सकारात्मक समीक्षाएं मिली और यह एक वित्तीय सफलता थी जिसने दुनिया भर में एक मिलियन डॉलर की कमाई की और इसने सर्वश्रेष्ठ मोशन पिक्चर ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीता और सर्वश्रेष्ठ चित्र पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ निर्देशक और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक से इस सात अकादमी पुरस्कार भी इसके नाम पर नामांकित किए गए एड्रियाना ब्राजा और रिंको कंचुली काकुची के लिए सबसे सहायक अभिनेत्रियों के लिए सबसे मूल स्कोर का इसी किरदार दिया गया इसके बाद मोरस्को मोरस्को के एक रेस्तरा में बकरी चलाने वाला अब्दुल्ला बकरियों का शिकार करने वाले सियारों को मारने के लिए अपने पड़ोसी हसन इब्राहिम को 270 सौ सत्तर एम सत्तर राइफल को गोला बारूद का एक बक्सा खरीदता है और अब्दुल्ला अपने दो युवा बेटे यूसुफ और अहमद को राइफल देते हैं और उन्हें झुंड की देखभाल के लिए बाहर भेजता है राइफल की कठिन तीन किलोमीटर तक की रेंज के बारे में संदेश करते हुए दोनों ने इसका परीक्षण कर, करने का फैसला किया और जिसका लक्ष्य चट्टानों नीचे एक राजमार्ग पर चलती कार और फिर पश्चिमी पर्यटकों को ले जा रही एक बस को निशाना बनाता है यूसुफ की गोली बस में लगी जिससे एक अमेरिकी महिला सुशांत जोन्स गंभीर रूप से घायल हो गई और जो छुट्टियों पर अपने पति रिचर्ड के साथ यात्रा कर रही थी दोनों लड़कों को एहसास हुआ कि क्या हुआ है और राइफल को पहाड़ियों में छिपा घटना स्थल पर भाग गए टेलीविजन समाचार कार्यक्रम में झलक से पता चलता है कि अमेरिकी सरकार गोलीबारी की आतंकवादी कृत्या मानती और अपराधियों को पकड़ने के लिए मोरस्को सरकार पर दबाव डालती है और अब्दुल ने गोलीबारी गोली के बारे में सुना था लड़कों से पूछा राइफल कहाँ है उनसे सच्चाई उगुलवाकर अंत में तीनों भागने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें पकड़ लिया जाता है पुलिस ने पिता और लड़कों को एक पहाड़ी की पथरीली ढलान पर घेर लिया और गोलियां चला दी अहमद के के पैर में गोली लगने के बाद यूसुफ ने जवाबी फायरिंग की जिससे एक पुलिस अधिकारी के कंधे में चोट लग गई और पुलिस ने गोलीबारी जारी रखी और अहमद की पीठ में गोली लगी और वह गंभीर रूप से घायल हो गई इसके बाद यूसुफ ने आत्मसमर्पण कर दिया और अमेरिका को गोली मारने की जिम्मेवारी स्वीकार की और चिकित्सा सहायता मांगी पुलिस यह जानकर हैरान रह गई कि वे बच्चे पर गोली चला रहे थे रिचर्ड ओब्लिक सुसान रिचर्ड और सुसान एक अमेरिकी जोड़े हैं जो मास्को में छुट्टियां मनाने के लिए गए थे जो सुजेन और टूर बस में गोली मार दी जाती है और जो रिचर्ड बस ड्राइवर को निकटतम गांव जो तजरीन में जाने का आदेश देता है और यह पर्यटक कुछ समय तक प्रतीक्षा करते हैं लेकिन अंत में वे गर्मी के डर से जाने की मांग करते हैं और सोचते हैं कि वे आगे के हमले का निशाना हो सकते हैं रिचर्ड दू टूर ग्रुप को एम्बुलेंस का इंतजार करने के लिए कहता है जो कभी भी नहीं आती अतंत में बस उनके लिए ही निकल जाती है और दंपति बस के टूट गाइड के टूर गाइड के साथ पीछे रहता है और फिर भी अस्पताल जाने के लिए परिवहन की प्रतीक्षा करता है और एक हेलीकॉप्टर आता है और रिचर्ड और सुनसान को कैंसल के अस्पताल में ले जाता है जहाँ उसके ठीक होने के बाद की उम्मीद की जाती है तो और संयुक्त राज्य में रिकब्बलिको मैस्को में रिचर्ड और सुजैन की मैस्को नानिया में अमेलिया उनके सेन एडिगेगो कैलिफोर्निया कैलिफोर्निया स्थित घर के उनके बच्चों डेवी और माइस की देखभाल करती है जब अमेलिया और सुजैन की चोट के बारे में पता चलता है तो उसे योजना से अधिक समय तक बच्चों की देखभाल करने के लिए मजबूर होना पड़ता है और चिंता होती है कि वह अपने बेटे की शादी को मिस कर देगी उनकी देखभाल के लिए कोई अन्य मदद करने के में असमर्थ है वैसा सलाह के लिए रिचर्ड को बुलाती है जो उसे बताता है कि बच्चों के साथ रहना होगा उसकी अनुमति के बिना अमेलिया बच्चों की तिजवाना के पास एक ग्रामीण समुदाय में शादी में अपने साथ ले जाने का फैसला करती है और मॉस्की को बच्चों के साथ मौसकी को उसमें दे रात रोकने के बजाय अमेरिका में अपने भतीजे से टियांगो के साथ वापस अमेरिका जाने का फैसला करता और वह भारी शराब पी रखा था और सीमा रक्षक उस पर कार पर बैठकों के अमेरिका बच्चों का संदेश हो गया और ओमेलिया के साथ सभी